ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर रफ्तार और हल्के कोहरे का कहर, यात्रियों से भरी दो बस आपस में टकराई, 13 लोग घायल, 3 की मौत। कोतवाल ने पुलिस टीम के साथ बस का गेट तोड़ दिया, फिर घायलों को निकालकर अस्पताल भिजवाया। दिल्ली जा रही थी दोनों बसें, नॉलेज पार्क इलाके की घटना। ग्रेटर नोएडा में लापता लड़की की बरामदगी को लेकर फूटा परिजनों का गुस्सा, गुस्साए परिजनों ने ग्रामीणों के साथ जेवर थाने का किया घेरा। ग्रामीणों और परिजनों ने कोतवाल पर लगाया भद्रता करने और थाने से भागने का आरोप, कई दिन से लापता है नाबालिग। आजमगढ़ में एक पक्ष के लोगों ने दो भाइयों पर की फायरिंग, एक की मौत, दूसरा जिला अस्पताल में भर्ती, पड़ोसियों से हुआ था विवाद। कानपुर में मोबाइल व्यापारी के घर पर पड़ा लाखों का डाका। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 5 नकाबपोश बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर करीब 10 लाख के जेवर और कैश लूटे। बदमाशों ने महिला के हाथ में चपड़ भी मारा, पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। रावतपुर इलाके के आवास विकास का मामला। मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर केस में पुलिस चार्जशीट दाखिल करने की कवायद में जुटी बाराबंकी पुलिस। मुख्तार गैंग के 4 बदमाशों की 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कर चुकी है कुर्क। मुजफ्फरनगर की गांधी कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने बंदरों को भगाने का निकाला नया तरीका, छतों पर लोगों ने लगाए लंगूर के कटआउट्स। सीएम योगी आज शिक्षकों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र, चयनित 1395 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की होगी नियुक्ति। आज भी सफाई में रहेंगे अखिलेश यादव, कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे मुलाकात। शिवपाल को सपा में मिलने वाली जिम्मेदारी पर सस्पेंस अब भी बरकरार। मुजफ्फरनगर में खतौली में आज भाईचारा जिंदाबाद सम्मेलन, गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया की जीत के बाद कार्यक्रम, आरएलजी मुखिया जयंत चौधरी करेंगे जनसभा को संबोधित। ओपी राजभर आज करेंगे महिला हक अधिकार महारैली, मंच से लेकर भीड़ तक महिलाओं के हाथों में होगी कमान। लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण की मांग। लखनऊ में हादसे के बाद अजान बिल्डर के अलाया अपार्टमेंट में तोड़फोड़ पर रोक, अपार्टमेंट को तोड़ने के लिए मजदूरों का इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तराखंड में आज 1521 पदों पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, प्रदेश भर में 413 केंद्रों, सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक कराई जाएगी परीक्षा, 130,000 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे। रुद्रप्रयाग में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन और पुलिस विभाग ने कसी कमर, जिले के 15 परीक्षा केंद्रों पर कुल 3,980 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। रायबरेली में महिला के साथ हुई मारपीट की जांच करने पहुंची पुलिस, पुलिसकर्मियों के साथ आरोपी पक्ष ने अभद्रता की, पुलिस के साथ अभद्रता करने का वीडियो वायरल। प्रतापगढ़ में कुंडा में अवैध भट्टियों पर चला बुलडोजर, मौली गांव में भट्टियों पर चला बुलडोजर, वन विभाग और पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। अमरोहा जनपद में पुलिस ने गैंगस्टर के आरोपी प्रतीक सक्सेना की संपत्ति की मुनादी कराकर कुर्की, अवैध रूप से कारतूस बेचकर लाखों रुपए की संपत्ति कुर्की गई। बरेली में अचानक से सड़कों पर उतरे आईजी डॉक्टर राकेश सिंह, आईजी ने प्रेमनगर पहुंचकर चलाया चेकिंग अभियान, कई गाड़ियों को सीज किया, कईयों का चालान। मसूरी में पालिका प्रशासन ने मोसोनिक लॉस बस स्टैंड पर ध्वस्त की दुकानें, दुकानदारों को नोटिस दिए बिना ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से लोगों में आक्रोश। मुजफ्फरनगर पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन, यात्रा में कई कांग्रेस नेता हुए शामिल। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा रायबरेली पहुंची, जहां पर सभी विधानसभाओं के प्रत्याशी समेत पूर्व मंत्री और कांग्रेसी नेता नकुल दुबे यात्रा के साथ दिखे। पीलीभीत में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार दोषी करार, एमपी एमएलए कोर्ट ने संजय सिंह गंगवार को पाया दोषी। कानपुर में पुलिस हिरासत में बलवंत की मौत के मामले में आरोपी दो पुलिसकर्मी हुए गिरफ्तार, सोनू यादव और दुर्वेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस हिरासत में हुई मौत के बाद यूपी सरकार ने भेजे मृतक के परिजनों को 10 लाख की राशि, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले लालपुर सरैया गांव पहुंचे। राहुल गांधी के दबंग वाले बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पलटवार, बोले राहुल गांधी ने किया सेना का अपमान, जवानों से माफी मांगे राहुल। मऊ में ओम प्रकाश राजभर ने महिला हक रैली का किया आयोजन, राहुल गांधी के बयान पर कहा राहुल गांधी सही बोलते हैं। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर प्रमोद तिवारी ने सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया, कहा G20 के दौरान हुई मुलाकात में क्यों नहीं उठाया मुद्दा। फिल्म पठान के विरोध को लेकर अखिलेश यादव ने वीडियो ट्वीट कर कसा तंज, लिखा दिल हमारा तो भाई मोहब्बत से गुजार है, अब तो हर रंग में दिखता है प्यार ही प्यार।
इटावा में अखिलेश यादव ने करहल के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। मीटिंग में डिंपल यादव भी मौजूद रही। कार्यकर्ताओं ने कहा 2024 की तैयारी पर चर्चा हुई। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर चलती मालगाड़ी के दो डिब्बे पलटने का लाइव वीडियो आया सामने। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीरें। प्लेटफॉर्म पर बैठे लोगों में मची भगदड़। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।